हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जियोलॉजी नोट्स। आज मैं आपको बताऊंगी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स के बारे में, कैसे रेप्टाइल्स का उत्पत्ति हुआ है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये किस तरीके से एम्फीबियन से ये रेप्टाइल्स में बदला है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आपको लॉन्ग में पूछा जाता है, तो चलिए जानते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स के बारे में। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, रेप्टाइल्स इवॉल्व फ्रॉम एम्फीबियंस ऑफ कार्बोनिफेरस पीरियड विच डिपेंडेंट ऑन वाटर बॉडीज फॉर लेइंग एग्स, डेवलपमेंट ऑफ लार्वल स्टेजेस एंड हेंस कुल नॉट एक्सप्लोइट एरिड हैबिटेट फॉर अवे फ्रॉम वाटर बॉडीज। क्या होता है कि रेप्टाइल्स जो होते हैं वो कार्बोनिफेरस पीरियड के एम्फीबियंस से डेवलप हुआ है, जो अंडे देने और लार्वल स्टेज के डेवलप के लिए वाटर बॉडीज पर डिपेंडेंट था, और इसीलिए वाटर बॉडी से दूर एरिड हैबिटेट को एक्सप्लोइट नहीं कर सकता था। मतलब कि वो वाटर बॉडी से दूर नहीं रह सकता था उस टाइम, कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम एम्फीबियन से ये डेवलप हुआ था, उस टाइम ये वाटर बॉडी से दूर नहीं रह सकता था। किस द फॉलोइंग एनाटॉमिकल चेंजेस ट्रांसफॉर्म द एंसेस्टर एम्फीबियंस इनटू लैंड एडेप्टेड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल ने उस टाइम एक बड़ा कवर्ड क्या किया था, अगर जब ये वाटर में रहता था तो वाटर से लैंड में जाने के लिए इसके कुछ चेंजेस हुए थे। जैसे पहला क्या होगा कि रेप्टाइल ने उस टाइम एक बड़ा कवर्ड वाला एग का इन्वेंटेड किया था जो जमीन पर रखा जा सकता था, जिसमें एक क्या होता था एमनियोटिक जैसा एक लिक्विड फ्लूइड उसको कवर करके रखता था एग को, जिससे एम्ब्रायो एक मैच्योर स्टेज में डेवलप हो सकता था। और भी बहुत सारे चेंजेस है, एनाटॉमिकल चेंजेस है जो मतलब एंसेस्टर एम्फीबियन से उसको एडेप्टेड रेप्टाइल्स में बदल दिया, मतलब एक वाटर बॉडी से लैंड में रहने के लिए उसका बॉडी को उस तरह ट्रांसफर किया। तो क्या क्या सिम्टम्स था, वो था बॉडी डेवलप्ड ए कवरिंग ऑफ एपिडर्मल स्किन्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉडी मॉइस्चर एंड स्किन ग्लैंड वेयर लॉस्ट। क्या हुआ था ना कि बॉडी के मॉइस्चर के नुकसान को रोकने के लिए बॉडी ने क्या किया, एपिडर्मल स्किन्स का एक कवर डेवलप किया, और जिस वजह से क्या हुआ कि स्किन का जो ग्लैंड है वो खो गया। स्कल बिकम मोनोकोंड्राइलिक फॉर बेटर मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी एट लॉक्स एंड एक्सिस वर्टेब्री टुगेदर परमिटेड स्कल मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। क्या हुआ कि बेहतर मतलब एक अच्छा गति के लिए या फिर एक अच्छा मूवमेंट के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या हुआ, स्कल मोनोकोंड्राइलिक में बदल गया। एटलास और एक्सिस मिलकर एक सभी डायरेक्शन में स्कल को मूव करने के लिए परमिशन दिया। जब एटलास और एक्सिस जब मिला वर्टिब्री, तब क्या किया स्कल मतलब जितने पूरे डायरेक्शन में वो घूम सकता था। लंग रेस्पायर बिकम मोर इफिशियंट। क्या हुआ कि लंग रेस्पिरेशन ज़्यादा एफिशिएंट हो गया, मतलब ज़्यादा अच्छा से रेस्पायर करने लगा लंग्स। सैक्रल रीजन इन्वॉल्व टू स्ट्रॉन्ग एंड फ्यूज वर्टिब्री टू सपोर्ट द बॉडी वेट ऑन हाइंड लिंग्स। क्या हुआ कि सैक्रल रीजन जो है दो स्ट्रॉन्ग वर्टिब्री के साथ फ्यूज होके बॉडी वेट का हाइंड लिंग के सहारे सपोर्ट देने लगा। सैक्रल रीजन कहाँ पर रहता है, मैं आपको ये फिगर से दिखा देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। देखिए सैक्रल वर्टिब्रे किस तरह दोनों फ्यूज होके एक हाइंड लिंग को क्या बोलते हैं सपोर्ट देने के काम किया। उसके बाद क्या है, पेंटाडेक्टाइल लिम्स डेवलप क्लो दैट हेल्प इन क्लाइंबिंग ऑन रॉक्स एंड ट्रीज। उसका जो पेंटाडेक्टाइल लिम्स था वो डेवलप होकर क्लो में बदल गया, जो हेल्प करने लगा रॉक्स और ट्री पे चढ़ने के लिए। फिर क्या हुआ कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन इवॉल्व एज लार्ज क्लियोड सेल्स एक्स वाइज लेड ऑन लैंड। क्या हुआ इसमें कि इंटरनल फर्टिलाइज होने लगा, क्योंकि एक जो हुआ वो लार्ज क्लियोड सेल्स से वो घिरा होने लगा, जिससे लैंड पे वो मतलब वो ले एग ले कर सकता था। एंसेस्टर ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के पूर्वज कौन कौन थे, तो रेप्टाइल्स के पूर्वज कॉटिलोसॉर्स, पारापसीड, साइनापसीड, थेकोडॉन्ट, स्टेरियोचियन, ऑरिंथोसचियन और पेट्रोसोरिया था। इसका सीक्वेंस आप इसी तरह लिखिएगा। पहला कॉटिलोसॉर्स, दे वेर द मोस्ट प्रिमिटिव स्टेम रेप्टाइल्स दैट इवॉल्व फ्रॉम द लेब्रेटॉन एम्फीबियंस इन कार्बोनिफोरस पीरियड।
क्या हुआ था कि ये सबसे पुराना रेप्टाइल्स था जो जो क्या हुआ था, लेब्रेथियंस एफेबियंस से डेवलप्ड हुआ था कार्बोनिफेरस पीरियड में। सेमोरिया वाज ए लिजार्ड लाइक एनिमल विथ पेंटाडेक्टाइल लिम्स एंड ए शॉर्ट टेल। इट हैड होमोडोंट लेब्रेथियंस टीथ ऑन द जॉ बोन्स एज वेल एज वोमर एंड पैलेटाइन बोन्स। सेमोरिया इंडिकेट ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम लेब्रियोडॉन एम्फीबियंस टू रेप्टाइल्स। ये जो कॉटिलोसॉर्स एंसेस्टर है इसमें एक एम्फीबियंस आता है जिसका नाम है सिमोरिया। ये क्या होता है कि सिमोरिया एक तरह का छिपकली जैसा जानवर था जिसमें पेंटाडेक्टाइल ऑर्गन और एक छोटा सा टेल था। इसके जबड़े की हड्डियों के साथ व्यूमर और तालू पर होमोडेंट टीथ था। इसका स्कल जो है मोनोकोंड्राइलिक था और जो ये इंडिकेट करता था कि लेब्रियोडोंट एम्फीबियन से रेप्टाइल का जन्म हुआ है। सेकेंड था पारापसिड। द प्रोसेस्ड सुपीरियर टेम्पोरल वैक्यूटी इन द स्कल एंड वेर एडेप्टेड फॉर एक्वाटिक मोड ऑफ लाइफ। इसके पास क्या था कि स्कल में बेहतर टेम्पोरल वैक्यूटी था जो उन्हें वाटर बॉडी के एडेप्टेड किया था। इस क्या था वैक्यूटी की वजह से वह वाटर बॉडी पर एडेप्टेड किया गया था। इसमें दो तरह के एनिमल आते हैं, पहला था पैलिसियोसोरस और दूसरा था इस्थियोसोरस। पैलिसियोसोरस वॉज मैरिन ले लॉन्ग नेक्ड फिश ईटिंग एनिमल एंड 15 मीटर लॉन्ग फ्यूजीफॉर्म बॉडी। द फॉसिल आर फ्रॉम लोअर जुरासिक एंड दे आर बिलीव टू हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन। ये किस तरह का एनिमल था, तो प्लेसियोसोरस मैरिन और लंबा गर्दन वाला मछली खाने वाला जानवर था जिसका बॉडी 15 मीटर तक लंबा था और उसका क्या था कि छोटा सा टेल था। कुछ ऑर्गन ऐसे थे जो स्विम करने के लिए हेल्प करते थे। इसका फॉसिल जुरासिक से है और ये माना जाता है कि इन क्रेशियस में ये विलुप्त हो गया, मतलब इन क्रेशियस आते आते ये प्लेसिसोरस जो था ये खत्म हो गया। दूसरा था इस्टियोसोरस, हैड फिश लाइक बॉडी विथ मोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू पैडल लाइक फिन्स एंड हाइंड लिम्स डिसपेयर्ड वर्टिब्रल कॉलम बिकम सेकेंडरी सिंप्लीफाइड विथ एम्फीसियस वर्टिब्री। एक्चुअली मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है इस वजह से बोल नहीं पा रही ठीक से। इस्टियोसोरस का बॉडी फिश जैसा था जिसका जिसके सामने क्या होता था कि ऑर्गन पैडल जैसे पंखों में बदल गया था और हाइंड लिम्ब क्या हो गया था गायब हो गया था। इसका जो वर्टिब्रल कॉलम एम्फीसियस वर्टिब्री के साथ सेकेंडरी सिंप्लीफाइड हो गया था। थर्ड है साइनाप्सिड। साइनाप्सिड स्प्लिट अप फ्रॉम प्रिमिटिव रेप्टेलियन स्टॉक वेरी इयरली इन इवोल्यूशन परहैप्स इन द मिडिल कार्बोनिफोरस पीरियड। इसका पूर्व इस पूर्वज में क्या था कि ये प्रिमिटिव रेप्टेलियन स्टॉक से डेवलप, मतलब वो क्या होता है कि इसका जो प्रिमिटिव रेप्टेलियन स्टॉक से ये डेवलप में बहुत ज़्यादा ही अलग हो गया। माना जाता है कि ये शायद मिडिल कार्बोनिफेरस पीरियड में था। इसका एक्चुअली डेट इसका पता नहीं है लेकिन इसका बोला जाता था कि ये शायद ये मिडिल कार्बोनिफेरस पीरियड से था। ये इसमें क्या था ये मैमल्स ग्रुप में इसका जो ये जो पूर्वज था इसमें मैमल्स जैसे कैरेक्टर बहुत ज़्यादा थे। क्या था कि शुरू इसके इसमें जो होता है मैमल्स कैरेक्टर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। टू टाइप्स ऑफ साइनाप्सिड अकर फ्रॉम कार्बोनिफोरस टू परमियन नेमली प्लेयरोसॉर्स और एडवांस थेराप्सिड। कार्बोनिफोरस से ये में तक दो प्रकार के साइनाप्सिड पाया जा गया है, प्लेयरोसॉर्स और दूसरा एडवांस थेराप्सिड। ये दोनों का आपको नहीं लिखना होगा डिस्क्राइब क्योंकि थ्योरी उतना ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, जितना मैं लिखी उतना ही आप लिखिएगा। बाद में एक फाइलोजेनेटिक ट्री में दिखाऊंगी वो बना दीजिएगा, वो आपका उसमें आपका मार्क्स बहुत अच्छा मिल जाएगा क्योंकि और भी क्वेश्चन होता है जो आपको लिखना होता है। तो किसी भी टॉपिक को उतना ही लिखिए कि आप दूसरा क्वेश्चन को भी टाइम दे पाए। फोर्थ थैकोडॉन्ट्स, दे इवॉल्व फ्रॉम द सरप्सिड आर्किसोरिया ए ग्रुप ऑफ इनसिग्निफिकेंट लिजार्ड लाइक रेप्टेरिया द सर्वाइव द ट्राइसिक मास एक्सटिंक्शन दे इवॉल्व इंटू बाइपीडल एंड हाईली एगाइल प्रीडिटर। ये किस तरह का पीरियड था, तो ये सेराप्सिड आर्किसोरिया से डेवलप हुआ जो कुछ छिपकली जैसे रेप्टेलिया का ग्रुप था और ये ट्राइसिक एक्सटिंक्शन होने से बच गया। ये बाइपेडियल और बहुत अधिक फुर्तीली प्रीडेटर के रूप में ये विकसित हुआ, मतलब ये क्या करता था कि ये बहुत ही जल्दी शिकार कर देता था।
इसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, जिसके लिए ये शिकार बहुत जल्दी कर पाता था। फिफ्थ है सोरोचियंस। दे वे डायनासोर विथ लिजार्ड लाइक पेल्विक क्रिडल इन विच इस्चियम एंड प्यूबिस बोन रेडिएटेड अवे फ्रॉम ईच अदर। दे वेर बोथ बाइपीडल एंड क्वाड्रिपीडल एंड कार्निवोरस एज वेल एज हार्बीवोरस। ये छिपकली जैसा पेल्विक क्रिडल वाला डायनासोर था, जिसमें इस्चियम और प्यूबिस क्या था, इसमें क्या था कि इस्चियम और प्यूबिस हड्डी था, जैसे कि हाइन में पाया जाता है, जैसे कि क्या होता है जिसमें, जैसे कि बर्ड में पाया जाता है इस्चियम प्यूबिस, तो इसी तरह इसमें भी इस्चियम और प्यूबिस हड्डी था जो पीछे की ओर रहता था। और ये कार्बोनिफोरस, ये क्या था कि ये कार्बोनिफोरस पीरियड में था, और ये कार्निवोरस भी था और हार्बिवोरस भी था, मतलब कि ये दोनों, ये घास भी खाता था और मांस भी खाता था। सिक्स ऑर्निथोस्चियन। दे वर डायनासोर विथ बर्ड लाइक पेल्विक क्रिडल इन विच इस्चियम एंड प्यूबिस बोन्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड पोस्टीरियर एज फाउंड इन मॉडर्न बर्ड्स। ये क्या था कि ये बर्ड की तरह पेल्विक क्रिडल वाला डायनासोर था, जिसमें इस्चियम और प्यूबिस का हड्डियाँ दूर से निकलता था, और ये भी मांस और घास दोनों खाता था। सेवेंथ और लास्ट क्या था इसका, लास्ट पूर्वज कौन था, तो ये पेट्रियोसोरिया था। दे वेर फ्लाइंग और ग्लाइडिंग डायनासोर ऑफ मेसोजोइक दैट वेरिड इन साइज फ्रॉम स्पैरो साइज टू सम स्पीसीज लाइक पेट्रियोडॉन हैविंग अ विंग स्पैन ऑफ 8 मीटर्स। ये मेसोजोइक के डायनासोर जो फ्लाई कर रहे थे, जिसका ग्लाइडिंग कर रहे थे, जो कि स्पैरो जैसे शेप से लेकर कुछ स्पीसीज तक अलग था, जिसका विंग 8 मीटर तक होता था। देयर जॉ वेर मॉडिफाइड इन टू विक, दे पोजेस होमोडोन डेंटिशन बट पेट्रियोडोन डिड नॉट हैव टेट। इसका क्या था कि इसका जबड़ा धीरे धीरे बीक में बदल गया, जिसमें होमोडोन टीथ था लेकिन पेट्रियोडोन टीथ नहीं था इसमें। इसके बाद सबसे लास्ट में आपको एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना होगा, उसके बाद इस टॉपिक को आप क्लियर कर दीजिए। आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बस जिस तरह से नेमिंग लिखा हुआ है वो आपको नेमिंग करना है।